नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको लिए चलता हूँ पुनः एक बार एनआरसी 150 के प्रदर्शन प्लॉट में, जो कि बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है। इसमें आज की तारीख है 18 सितंबर और 16 सितंबर 15 सितंबर ये दोनों दिन है। अभूतपूर्व प्रकार से यहाँ पे इंदौर शहर में वर्षा देखी गई, बहुत ज़्यादा पानी गिरा है और पानी ऐसे गिरा है कि पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। न्यूज़पेपर में खबरें आई है कि 32 घंटे के अंदर 12.5 इंच पानी गिरा है। जो समाचार प्राप्त हुए कि कई किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल जलमग्न हो गई है, डूब गई है, लेट गई है और उसको असर पड़ा है, क्योंकि कई किसान भाई कम समय में पकने वाली किस्में लगाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा खेत जो है एनआरसी 150 किस्म का है और ये लगभग 2 हेक्टेयर का खेत यहाँ पे आप देख रहे हैं। 2 हेक्टेयर और ये पूरी तरह से पकने की स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि ये जो फलियां हैं, दाने पूरी तरह से भरे हुए हैं। अगर इसको छू करके भी देखें, दाने पूरी तरह से भरे हुए हैं। अब जो आज की तारीख है 28 जून की ये जो बोनी है और आज लगभग 80 दिन की फसल हो गई है और ये कहते हैं कि 90-91 दिन की इसकी परिपक्वता होती है। मेरे साथ में इस समय पे डॉक्टर विनीत कुमार और डॉक्टर अनिता रानी मैडम इस खेत इस वैरायटी के प्रजनक हैं, वे यहाँ पे उपस्थित हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छी एक इस वैरायटी की फीडबैक मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन की बहुत ज़बरदस्त वर्षा होने के बावजूद भी ये जो किस्में एनआरसी 150 से आड़ी नहीं पड़ी, मतलब लॉजिंग नहीं हुई इसमें, तो ये एक बहुत अच्छा इसका निरीक्षण है। कुछ किसान भाई भी हमको भेज रहे फोटोग्राफ। मैंने भी प्रदर्शन प्लॉट या अन्य किस्मों का भ्रमण किया, उसमें भी ये जो वैरायटी जो अधिक वर्षा से प्रभावित नहीं हुई है ये यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैडम आप बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ, आपको कैसे लग रहा है कि ये वैरायटी के बारे में जो प्रदर्शन? हाँ, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि बिल्कुल भी आड़ी नहीं हुई है। इसका कारण वही है कि इसका स्टेम बहुत हार्ड है और इंटर नोड जो है इसके छोटे इंटर नोड है, जिसकी वजह से नीचे नहीं गिर रहा है और 80 दिन में दाना लगभग भर ही चुका है। बस धूप पड़ेगी तो इसकी फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी बोलते हैं हम लोग, तो फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी में दाना भर चुका है। अब अगर धूप पड़ती है तो ये पक भी जाएगी 5-7 दिन के अंदर और कटने के लिए तैयार हो जाएगी। डॉक्टर विनीत सर, आप बताएं आपको क्या लगता है इस वैरायटी के बारे में, अभी जो फसल यहाँ पे फसल की स्थिति आप देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बारिश हुई है पिछले 2 दिनों में, जैसे आपने बताया 12 इंच बारिश इंदौर संभाग में हुई है और हमारे फार्म पे भी जो है उतनी ही वर्षा जो है लगभग रिकॉर्ड हुई है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये ना केवल बारिश अति बारिश बल्कि बड़ी तेज हवाएं भी चली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बड़ी तेज हवाएं भी चली हैं और यदि आप कैमरा घुमाएं और दिखाएं किसान भाइयों को, तब भी इस वैरायटी की फसल जो है, इस वैरायटी के पौधे लगभग जो है सीधे ही खड़े हैं, कहीं कहीं थोड़े से झुके हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो है हम देख रहे हैं कि पौधे सीधे खड़े हैं। यहाँ पे उतना असर यहाँ पे अभी भी नहीं दिख रहा है कि जो इसको कहते कि आड़ी पड़ गई, ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि जमीन पर जो है हो गई हो, लेट गई हो और थोड़ा सा जो है झुके हैं पौधे, लेकिन ज्यादातर पौधे जो है सीधे खड़े हुए हैं। अभी तक जो है किसी बीमारी का प्रकोप इंसिडेंस कोई प्रकोप हमें नजर नहीं आ रहा है, आरएबी का या एंथ्रेक्नोज का, क्योंकि ज्यादा बारिश में हमें लग रहा था कि सही में इस वैरायटी की और एक टेस्टिंग हो जाएगी और वो आप देख पा रहे हैं कि फसल जो है आज आपने जैसे बताया 28 जून 2023 की बोनी है और आज की तिथि है 18 सितंबर 2023, तो लगभग जो है 82-83 दिन की हुई है
और हमारे एक्रिप डेटा के अनुसार इस मेटी की जो परिपक्वता वो 91 दिन रखी गई है। हमको लग रहा है कि उसी अवधि में ये फसल कटने के लिए तैयार हो जाएगी। ये जो हम जो देख रहे हैं कि फसल पीली पड़ गई थी, ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी इसकी पहुंच गई है। हाँ, ये जो है सेनेसेंस सेट हो गया है, जो इंग्लिश भाषा में बोलते हैं कि अपने वृद्ध काल की तरफ बढ़ गई है ये। और बस अब आप देखें कि 8-10 दिन में ये कटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये अभी फलिया जैसे ही इसका रंग बदलना शुरू हो गया तो हमें इसको कटाई कर देनी चाहिए। और अभी जैसे मैंने बताया, आपने बताया कि 82 दिन की है, 8-10 दिन और इसकी है। अगर मौसम खुल जाता, धूप निकल जाती है तो इसको कटाई इसकी कर लेनी चाहिए। हाँ, फलियां जो है वो पूरी पीली पड़ जाए और तना जो है वो सूख जाए। अब बाकी प्रकृति पर है कि यदि बारिश का दौर बहुत लेट तक चला तो हार्वेस्ट करने में दिक्कत आएगी, हम नहीं कर पाएंगे। बाकी अपना जीवन काल हार्वेस्ट मैच्योरिटी इस वैरायटी में आ जाएगी। क्या तो किसान भाइयों, आपने देखा NRC 150 का प्लॉट बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है, बहुत अच्छी स्थिति में है। हमने बात करी डॉक्टर विनीत कुमार और अनिता दोनों से, और एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस सीजन में, इस साल, इस फसल को, इस किस्म को जिन्होंने भी लगाया अभी तक, या प्रदर्शन प्लॉट में भी मैंने ऑब्जर्वेशन देखा कि अभी कोई भयंकर बीमारी का प्रकोप उसमें उस तरह से नहीं हुआ जिसने की उतनी दूसरी किस्मों में देखा गया, खासतौर से एंथ्रेक्नोज जो बीमारी है या रेजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, उसका प्रकोप कई किस्मों में देखा गया। ये वैरायटी उससे पूर्णतः सुरक्षित थी। और उसके साथ साथ जो लॉजिंग जो है, इतनी जोर से बारिश होने के बावजूद भी फसल में लॉजिंग नहीं दिख रही है, तो ये एक अच्छी वैरायटी आप मान सकते हो। और ये जैसे मैंने बताया कि 82 दिन की है, कुछ ही दिनों में अगर मौसम खुल जाए तो कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा उत्पादन हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर से किसी वैरायटी के बारे में दोबारा आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा नमस्कार।